उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बर घटना को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति का उबाल देखते ही बन रहा है। प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है, जिसका असर जनपद मुरादाबाद में भी साफ देखा जा रहा है। मुरादाबाद के सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती इस ओर इशारा करती है कि यहां पर बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा के बागड़पुर अंडरपास के पास लगातार पुलिस की चौकस व्यवस्था को लेकर हर कोई हैरान नजर आ रहा है। असमंजस का माहौल है कि आखिर इतनी पुलिस कर क्या रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। कानून व्यवस्था को चौकस करने को लेकर पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। पुलिस की चौकसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झंडा लगी हुई गाड़ियां बिना चेकिंग के, बिना पहचान पत्र या लाइसेंस के नहीं गुजरने दी जा रही, क्योंकि पुलिस की नजर में अगर कोई राजनीतिक माहौल खराब करना चाहता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी चेक कराकर ही इस बॉर्डर से गुजरना होगा। बुधवार की दोपहर को दिल्ली रोड बागड़पुर बॉर्डर पर लगातार पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा और चाक चौबंद व्यवस्था इस ओर इशारा कर रही है कि अगर मुरादाबाद में गड़बड़ी की तो उसकी खैर नहीं। एसपी सिटी अमित आनंद और एडीएम सिटी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस को ईमानदारी का और सतर्कता का पाठ पढ़ाया। सभी को टोल प्लाजा के नीचे खड़ा करके उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया और कहा कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करना होगा। मुरादाबाद से लखीमपुर खीरी के लिए जाने वाले किसान नेताओं को अपनी आइडेंटिटी चेक कराने के लिए निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए।